यूपी के बलिया में पुलिस द्वारा एक युवक की डंडे से सरेआम पिटाई की गई और उसका वीडियो हो चुका है वायरल। ये मामला 23 अक्टूबर 2018 को बेरिया थाने क्षेत्र के मधुबनी गांव का है, जहां पे पुलिस द्वारा एक युवक की बुरी तरह से पिटाई की जा रही है और एक ट्रैक्टर पर दुर्गा मूर्ति विसर्जन के लिए गांव से निकल रहा था और वहीं लोगों को साइड करा रहा था, तभी एक सिपाही दारू पीकर आया और उसने धक्का मार दिया और इसके बाद ये मामला इतना बिगड़ा कि सरेआम इस युवक की पिटाई की जाने लगी। हम संतोष यादव मधुबनी से बोल रहे हैं सर। हम दुर्गा जी की मूर्ति जो है ट्रैक्टर पर लाद कर रोड पर लाए और उसके बाद साइड करा रहे थे गाड़ी को, तब तक सिपाही जी दारू पी करके उधर से आए और आ करके हमको जो है मोटरसाइकिल से धक्का मार दिए। धक्का मारने के बाद जो है हम गए उनके पास कि पूछने के लिए कि आप हमें आदमी को देखकर गाड़ी चलाइए, जो है हमें धक्का लग गया, हमें घाव लग गया है, चोट लगा है हमें, तब तक हमारा कॉलर पकड़ लिए और पकड़ कर मारने लगे। उसके बाद गांव वाले लोग जो है छुड़ा रहे थे, नहीं छोड़ रहे थे वो, हाँ पूरा प्रयास करने के बाद वो छोड़े, तो जो है छोड़ने के बाद हम लोग वहां से हट गए, तो सभी लोग चले गए। उसके बाद हम पर भी मुकदमा कर दिया गया है और गांव वालों पर भी मुकदमा कर दिया गया है। इसमें वहां पे गांव वाले शायद आसपास अपनी मूर्तियां गाड़ियों में चढ़ा रहे थे, उस समय एक सिपाही वहां से गुजर रहा था एक होमगार्ड के साथ अपने मोटरसाइकिल में। जो मुझे बताया गया है और जो एफआईआर में आया है वो ये है कि सिपाही से धक्का लग गया था एक आदमी को और उसके बाद मारपीट हुई है, जिसमें एक होमगार्ड का हाथ टूट गया और उसका सर भी फटा हुआ है। इस संबंध में सिपाही की ओर से मुकदमा कायम है और उसमें गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, कुछ लोग गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। एक कहानी अब ये भी आ रही है कि सिपाही की गलती से ये मारपीट शुरू हुई है, तो उस बात में अभी तक मेरे पास कोई आधिकारिक रूप से शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। प्राप्त होती है तो उस पर निष्पक्ष जांच होगी और यदि मेरा सिपाही दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। जी मैम, साहब वीडियो में दिख रहा है कि सिपाही जी और उनके बीच में कुछ विवाद हो रहा है, तो क्या ये जाहिर से नहीं बनता है बनती है कि आप एक आला अधिकारी हैं तो आप कुछ उस वीडियो के आधार पर कुछ कार्रवाई बनती है, जैसा कि पीड़ित पर कार्रवाई हो चुकी है अभी तक केस पर कार्रवाई के लिए हमारे सिपाही ने तहरीर दी थी। यदि दूसरा पक्ष कुछ मुझे लिख के शिकायत देता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि वीडियोस बहुत बनते हैं, कब कहां स्प्लाइसिंग होती है, कब जोड़ा जाता है, वो तब स्पष्ट होगा जब वो विधिवत जांच हो। बलिया से ये थी मोमशाद अहमद की रिपोर्ट।